नमस्कार दोस्तों, उद्भव शर्मा ऐप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और इसमें आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर आप सभी को इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग पहली बार उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। असम सरकार ने जिस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है वो है रतन टाटा। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रियासी जिले के जैरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है जम्मू कश्मीर। जिस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है वो है केरल। हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है वो है भारत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 25 जनवरी। भारत में हर साल 25 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किससे चुना गया है वो है आपकी स्मृति मंधाना। इंग्लैंड के जिस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया वे विक्रम सोलंकी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है वो है शिंजो आबे। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य के मंगलुरु के गंजीमंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है वो है आपके कर्नाटक। पाकिस्तान के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है वो है आपके मोहम्मद रिजवान। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है वो है आपका 24 जनवरी। भारत के पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो उनका नाम है सुभाष भौमिक। भारत में हर साल 24 जनवरी को जिस दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो सुभाष चंद्र बोस की। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है वो है 13। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में जो महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं वो है शेफाली वर्मा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया वो है आपका 9%। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में जिस देश को 85वां स्थान मिला है वो है हमारा भारत। विश्व बैंक ने जिस राज्य के लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी प्रदान की है वो है पश्चिम बंगाल। किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है मिलिना सालमिनी। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की किस विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए जिस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया मेघालय। 28 जनवरी 2022 को जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती मनाई गई है लाला लाजपत राय की। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और जिस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया वो थे तमिलनाडु से। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है वो है 1 अरब डॉलर। डेटा गोपनीयता दिवस जिस दिन को मनाया जाता है वो है 28 जनवरी। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है तो 72,000 करोड़ रुपए की। तो इसको आप याद रखिएगा किसने जारी की है वो नीति आयोग है। हरियाणा और जिस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि ब्रद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है हिमाचल प्रदेश। जिस देश की पहली
पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है, वो आपके पाकिस्तान से। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जिस तारीख तक बढ़ा दिया वो 31 मार्च 2025। कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में जितने करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी है 1500 करोड़ रुपए की। 2021 में भारत और जिस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा वो है आपका चीन। हाल ही में भारत के किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है तो वो आपके हैं सानिया मिर्जा। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिस देश को बेचने का समझौता किया है वो है मॉरिशस। आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है वो है स्मृति मंधाना। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है 150 मिलियन डॉलर। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जिन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है तो उसमें है आपकी मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का अच्छा सौदा किया 3.4 अरब डॉलर। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 19 जनवरी। आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में जिन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है उसमें रोहित शर्मा आर अश्विनी एवं ऋषभ पंत हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में जिसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है तो महात्मा गांधी। मॉरिशस सरकार ने स्पोर्ट एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का तो महात्मा गांधी। किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रोबर्टा मेटसोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है तो माल्टा। डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया तो भारत। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं उन्मुक्त चंद। हाल ही में जिस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य एक कानून का प्रस्ताव दिया है तो अमेरिका। जिसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है तो आपके रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हैं। हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जिस मशहूर कॉर्टनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो है नारायण देवनाथ। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया नरेंद्र कुमार गोयनका को जी को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है वो है आपके ओडिशा। जिस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है वो है हरियाणा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से जितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है वो है आपका 6। जो हाईकोर्ट न्यायगढ़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। हरियाणा सरकार ने जिस राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है रेणु भाटिया। जिस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष का उम्र में निधन हो गया MK प्रसाद। हाल ही में जिस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है कमाल खान। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक जिसे नियुक्त किया है अविनाश पांडू। भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखला पोर्टल अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है तो 15।
आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है भारत अरुण, वह देश जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का, तो वो है फिलीपींस। भारत और जिस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है वो है रूस। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नाओमी ओसाका। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है, तो 8.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में जिसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है पियरे ओलिवियर गोरीचंस को। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की खोई हुई सामान को ट्रैक करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है मिशन अमानत। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था, इंद्रो मल्होत्रा। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो जापान एवं सिंगापुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एस सोमनाथ जी को। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जिस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है वो है आपके असम। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपके उत्तर प्रदेश। वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है अमेरिका। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी जिस राज्य को सौंपी गई है वो है मध्य प्रदेश। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में जिस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है वो है फिलीपींस। RBI के जिस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है उर्जित पटेल। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो हैथम अल घिस को। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 83वें स्थान पर। असम सरकार ने हाल ही में जिस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है ओरंग नेशनल पार्क। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील की शुरुआत की है तो वह अफगानिस्तान। माया एंजेलो जिस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है तो वो है अमेरिका। इनका नाम याद रखिएगा माया एंजेलो, जिस देश के सिक्के भी दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है तो वो है अमेरिका। NETV के जिस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था वो है कमाल खान। हाल ही में जिस देश ने भारत के साथ दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है तो ये फिलीपींस है। संयुक्त राष्ट्र UN ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यहाँ पे UN की बात कर रहे हैं तो 6.5%। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने खेलों के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्रिस मॉरिस। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश में अमेरिका राजदूत के लिए एरिक गोरसेटी को मनोनीत किया है वो है हमारे भारत के लिए। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया, 20%। हाल ही में जिस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है तो वो अमेरिका है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण जिस भाषा में छापने की सहमति दे दी है वो है हिंदी। तो याद रखिएगा यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण जिस भाषा में छापने की सहमति दे दी है वो हिंदी है। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी को उसने समझौता किया, टाटा ग्रुप। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हर
हर बार 12 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुरानी समुद्री डैगन का जीवाश्म इचिथियोसॉर मिला है? तो 18 करोड़ साल का। जिस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु तो एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? असम। हाल ही में रक्षा मंत्री ने जिस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? फ्रांस। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियोज में 100 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। आप सभी को कैसा लगे आप जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।